तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ये फरियाली दही टिक्की बनाने की रेसिपी, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर एक कटोरी साबुदाने। साबुदाना को अच्छे से बीन लेना है, क्योंकि इनमें कभी कभी सफ़ेद कंकर से भी होते हैं, इसलिए इन्हें आप अच्छे से साफ़ कर लें। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये एक बाउल, और उसमें डाल दूंगी मैं ये साबुदाने। अब हम साबुदाने में पानी डालकर अच्छे से धो लेते हैं। तो इस तरह हाथों से मसल कर इसे अच्छे से धो लेंगे और ये स्टार्च वाला पानी फेंक देते हैं। अब हम इन धुले हुए साबुदाने में लगभग एक कप पानी और डालकर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल सके। साबुदाने पर कम से कम आधा या एक इंच ऊपर पानी रहे। अगर आप गर्मी के मौसम में साबुदाने गला रहे हैं तो पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी जल्दी सूख जाता है। अब 2 घंटे के लिए हम ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इधर मैं दाने को भी सेक लेती हूँ। ये मैंने आधी कटोरी मूँगफली के दाने लिए हैं। दाने सिकने के बाद अगर आप चाहें तो छिलके समेत मूंगफली के दानों को मिक्सर में पीस सकते हैं, या फिर छिलके निकाल लें। अब एक कुकर में मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। 3 आलू मैंने लिए थे, एक आलू के 2 टुकड़े करके मैंने आलू को उबाला है, जिससे कि आलू जल्दी उबल चुके हैं। आलू उबलने के बाद हमें इन्हें पानी में ही नहीं रहने देना है, इन्हें हमें जल्दी से बाहर निकाल लेना है, जिससे कि ज़्यादा गीले ना हो जाए। हमें इन आलू को पानी में निकालते से ही जल्दी से छिलके निकालकर मैश नहीं करना है। हमें इन्हें पहले ठंडा करना होगा, और कम से कम इसको हमें आधे घंटे के लिए बाहर ही रखना है। जल्दी ठंडा करने के लिए आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। ज़्यादा गीले गीले आलू रहेंगे तो टिक्की हमारी सही नहीं बनेगी। और ये देखिए, साबुदाने भी हमारे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम खिले खिले साबुदाने हमारे बहुत ही बढ़िया से गल चुके हैं। अब जल्दी से फटाफट हम फरियाली चटनी भी बना लेते हैं। इसमें मैंने लिया है ये हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्ची और ये 2 टुकड़े अदरक के। अब एक ग्राइंडर जार में हम इन सभी चीज़ों को डालकर ग्राइंड कर लेते हैं, जिसमें मैंने आधी चम्मच काला नमक डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, और ये 1 चम्मच मूँगफली के दाने भी डाल देते हैं। 1 चम्मच पानी भी ऐड कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये आलू भी हमारे अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं रहा है, और ये ना ही गीले गीले से हैं। अब किसी भी मैशर से या हाथों से हम इसे मैश करेंगे। आलू मैश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारे साबुदाने। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी हमारी बनने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच सेंधा नमक, आप स्वाद अनुसार नमक लें। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और ये दरदरा किए हुए मूँगफली के दाने। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी दही टिक्किया हमारी बनने वाली है, इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बिना दही के टिक्किया बनाते हैं तो इसमें नींबू भी ऐड कर लें। हमने इसमें नींबू ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम दही के साथ आज इस टिक्किया को सर्व करेंगे। तो ये मिश्रण भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जिससे कि टिक्किया हमारी हथेली पर चिपकेगी नहीं, और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे दोनों हाथों पर। अब थोड़ा सा मिश्रण हम इस तरह से उठाएंगे एक लड्डू के बराबर, और इस तरह से इसे हथेली पर ही गोल गोल कर लेंगे और चपटा कर देंगे, और इसे टिक्किया का शेप दे देंगे। बस इसी तरह से हम सारी टिक्किया बना बना कर पहले रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, और लाइक कीजिए। अब एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। अगर आप तवे पर बनाना चाहते हैं तो आप तवे पर भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इस पर डाल देंगे ये टिक्किया हमारी, जो हमने पहले से ही बना कर रख ली है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई पर नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी। अब हम इन्हें पलट देंगे, तो बहुत ही धीरे धीरे से
हम इन सभी टिकियां को पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमें इन्हें पलटना है। तो ये टिकियां हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने 2 कटोरी के लगभग दही लिया है और ये दही मेरा घर का ही जमाया हुआ है। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच शक्कर। अगर आप शक्कर नहीं चाहते हैं टिकिया में पसंद करना तो आप शक्कर ना डालें। तो आज हम दूने वाली स्टाइल में दही टिकिया सर्व करेंगे। तो ये मैंने 2 टिकिया दोनों दूने में रख ली है और उसके ऊपर डाल देंगे हम ये हमारा दही जो हमने शक्कर डालकर मीठा किया हुआ है, और उसके ऊपर डाल देंगे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब डालेंगे हरी चटनी जो हमने बनाई थी। अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो नमक डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैंने दही में शक्कर मिलाई थी इसलिए मैं इसके ऊपर नमक नहीं डाल रही हूँ। चटनी में भी ऑलरेडी नमक है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन अगर आप दही के साथ टिकिया पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना दही के भी इस तरह से हमारी बनाई हुई चटनी और हरी मिर्ची के साथ इसका मज़ा लीजिए, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो दही टिकिया तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।